क्राइम न्यूज। मार्च का महीना था, वार्षिक परीक्षा हो रही थी, इंटर का एग्जाम चल रहा था। सुहानी अपने जीजा के घर परीक्षा देने के लिए आई, क्योंकि उनके जीजा के घर से इंटर कॉलेज बहुत नज़दीक था। सुहानी अपने जीजा के घर रुककर वहीं रहकर परीक्षा देने लगी। नमस्कार दोस्तों, अफेयर क्राइम न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस घटना को मैं आपको बहुत मोहब्बत से सुनाता हूँ। जीजा और साली की प्रेम लीला कैसे होती है आप लोगों को सुनाता हूँ। कृपया दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, सुहानी को परीक्षा दिलाने के लिए उसका जीजा ही बाइक से उसे ले जाता था, और 3 घंटे बाद जब पेपर खत्म हो जाता था तब वह घर पर लाता था। रोज रोज वह उसे ले जाता और लाता था। एक दिन वह होटल में गया और उसे चाट समोसे और गोलगप्पे खिलाए और प्यार भरी बातें कहने लगा कि तुम तो इतनी सुंदर हो कि जी चाहता है तुमसे मैं शादी कर लूं। तो उसकी साली कहती है कि जीजू, आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, फिर क्यों आप दूसरी शादी करने के लिए परेशान हैं। तो वह कहता है, उसका जीजा, सुहानी का जीजा कहता है, तुम इतनी सुंदर हो कि मन मोह लेती हो, मन करता है कि तुमसे ही शादी कर लूं। सुहानी हंस के रह जाती है और कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन उसके मन में यह बात अंदर तक चली जाती है और अपने शादी के बारे में सोचने लगती है। एक दिन सुहानी रात में बैठकर पढ़ रही होती है और पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में ऐसा बात आता है, क्यों ना जीजा इतने पढ़े लिखे हैं, इनसे पूछूं कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। अपने जीजा को बुलाती है और कहती है, जीजू जरा ये हमें बताइए कि कल होने वाले पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, थोड़ा गेस लगा के हमें बताइए। उसका जीजा वहाँ आ जाता है जहाँ वह बैठी रहती है और वह अंदाजा लगा के गेस लगाता है और बताता है कि ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, तुम इसे याद कर लो। और उसी के पास रात में बैठा रहता है, उसको पढ़ाता रहता है, समझाता रहता है। धीरे धीरे उसके करीब आने लगा और करीब आते आते उसके मन के अंदर बुरे विचार आ गए, और जैसे ही उसे वो टच करता है शरीर में शरीर, तुरंत उसके मन में भी बुरे ख्यालात आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से अवैध संबंध बना लेते हैं। उधर उसकी बहन सोचती है कि हमारे पति हमारे बहन को पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि जो पढ़ा रहे हैं उसके पेपर में आ जाए और वह पास हो जाए। मगर इधर तो कुछ और ही पढ़ाई हो रही थी, दोनों एक दूसरे से अवैध संबंध में लिप्त थे। अवैध संबंधों का सिलसिला लगातार चलता रहता है और वह प्रेग्नेंट हो जाती है। जब उसका मासिक डेट नहीं आता है तब वह अपने जीजू से कहती है, जीजू बहुत गड़बड़ हो गया। तो वह कहता है, क्या हुआ? तो वह कहती है, मेरा मासिक डेट नहीं आया है। तो उसका जीजा कहता है, तुम चिंता ना करो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो उसकी साली कहती है, मगर मेरे बहन का क्या होगा जीजा जी? तब वह कहता है, उसका भी कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा, क्यों ना उसे हम लोग जान से मार दें और उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए तुम्हारे माँ बाप से रिक्वेस्ट करें कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कौन पालेगा, और तुम दूसरी अपनी छोटी वाली लड़की से मेरी शादी कर दो। तो वह कहती है, यह तरीका तो बहुत अच्छा है, मगर अपने बहन को कैसे मैं मरवाऊँ, मुझे बहुत प्यार करती है। तो कहता है जीजा, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, तो कैसे हम दोनों की शादी होगी, कैसे हम लोग इकट्ठे होंगे? उसकी साली वह सोचती है, यह बात तो ठीक है, मेरे पेट में बच्चा भी है, तो क्यों ना
अपने बहन को मार करके और आपसे शादी कर लूं। दोनों लोगों का प्लान बन जाता है और एक रात में दोनों जाते हैं उसके पास और वह सोई रहती है और उसके मुंह पर तकिया लगाकर दबा देते हैं और वह मर जाती है। जब सुबह होती है तो रोने लगते हैं दोनों और गांव के लोग वहां आ जाते हैं और सोचते हैं ये क्या हो गया। सुहानी का जीजा अपने ससुराल फोन लगाता है और बताता है कि हमारी वाइफ एक्सपायर हो गई। उसके घर वाले सभी लोग आ जाते हैं और देखते हैं। उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार करके और उसका रोटी पानी जो होता है क्रियाकर्म करके फिर सुहानी का जीजा अपने सासू से कहता है, मैं कैसे जीऊंगा अकेले, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मैं कहाँ जाऊं, कैसे इनके माँ को लाऊं, मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो उसकी सासू कहती है, बेटा परेशान ना हो, मेरे पास एक बेटी है। तुरंत उसका जीजा मन ही मन लड्डू काटने लगता है और सोचता है, जो मैं चाहता था वो उन्होंने अपने मुँह से ही कह दिया। और इधर सुहानी का परीक्षा समाप्त हो जाता है। मई का महीना आ जाता है और मई के महीने में सुहानी और उसके जीजा की शादी हो जाती है। अब ये दोनों अपने घर में बड़े प्रेम से रहने लगते हैं और एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लगते हैं। एक दिन की बात है, सुहानी और उसके जीजा में किसी बात का अनबन हो जाता है और झगड़े हो जाता है। तो उसका जीजा कहता है, प्यार तो तुम्हें बहुत करता हूँ, मगर जैसे अपने वाइफ को मारा था वैसे भी तुम्हें मार दूंगा अगर तुम मुझसे इस तरह झगड़ा करोगी तो। सुहानी डर जाती है और डर के अपने पापा को फोन करती है और अपने मायके चली जाती है। अपने मम्मी पापा को बताती है कि मेरे दीदी को मारने वाला मेरा जीजा ही है, उसने ही कबूल किया है, जैसे उसको मारा था वैसे तुम्हें मार दूंगा। और इधर सुहानी के माँ बाप उसके नाम से FIR करते हैं और पुलिस आ जाती है, उसे पकड़ लेती है और उससे बहुत पूछताछ करती है। और पुलिस कहती है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो बता दो वरना तुम्हारी फांसी हो जाएगी। वह डर के मारे सारी बातें बता देता है और वह अरेस्ट हो जाता है और उसे सजा हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे आपराधिक मानसिकता व्यक्तियों से सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि इस समाज में ऐसे बहुत मानसिक अपराधी हैं और उन अपराधियों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।